आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार भय नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है गाइस। तो गाइस, आज मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को अपने वर्बीना के प्लांट का अपडेट देना चाहूँगी। सो ये है वर्बीना का प्लांट। ये दिखने में थोड़ा जो पुदीना होता है उसकी तरह लगता है मुझे, लेकिन पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से प्लांट के बारे में ढेर सारी वीडियोस लाती रहती हूँ। मेरा नाम है अंजलि, आप लोगों की दोस्त। तो गाइस, ये है वर्बीना के फ्लावर्स। वर्बीना की फैमिली है वर्बीनेसी, और आप लोगों को पता होगा कि वर्बीना के जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर कलर्स में होते हैं, और ये सारे क्लस्टर्स में खिलते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इतना ज़्यादा सुंदर सा लाल कलर है और बीच में किस तरह से वाइट कलर मिक्स है आप लोग देख सकते हो। और ये अभी खिल रहा है गाइस, फुल अभी मतलब कि ब्लूम हुआ ही नहीं है ये पूरा प्लांट। बहुत सारी कलियां अभी भी खिलने बाकी है। ये जो वर्बीना के फूल होते हैं ये एक ही दिन में ख़त्म नहीं होते, ये खिलने के बाद बहुत दिन तक रुके रहते हैं। अगर आप इनको बारिश से बचा के रखें तो आपका ये जो फ्लावर है बहुत लंबा समय तक रुकने वाला है आपके साथ। सो गाइस, इनको हमने लाया था आई थिंक 2 महीने पहले हम लोगों ने इनको लाया था, और एग्जैक्ट डेट तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती क्योंकि मुझे याद नहीं है। लाने के बाद हमने इनको छत पे लगाया था छोटे छोटे प्लास्टिक बैग्स में। और इनका अगर मैं सॉइल मिक्सचर की बात करूँ तो सॉइल मिक्सचर में हमने इस्तेमाल किया है थोड़ा सा गार्डन सॉइल, देन काउडंग वाला फर्टिलाइज़र, पत्तों की खाद, नीम खली, और गाइस इसमें हमने फंगीसाइड का भी इस्तेमाल किया है। क्योंकि ये जो वर्बीना के फ्लावर्स होते हैं ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं पिटूनिया से, तो इसीलिए हमने इनको बचाने के लिए फंगीसाइड का भी इस्तेमाल किया था। उसके बाद हमने इनको फुल सन में रखा, अभी भी फुल सन में ही रखा है। वैसे तो ठंड का महीना है तो धूप ज़्यादा नहीं आती, थोड़ी थोड़ी कम ही आती है, इसीलिए फुल टाइम सन ऐसी जगह पे हमने इनको प्लेस किया था जहाँ पर इनको अच्छी खासी दिन की धूप भरपूर मात्रा में मिल सके। वाटरिंग की बात करो तो ज़्यादा पानी नहीं देना है, सॉइल चेकिंग ज़रूर करें विंटर सीजन में स्पेशली, क्योंकि अगर ऑलरेडी उसमें पानी है तो अगर आप ऊपर से पानी डालेंगे तो पानी बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपका प्लांट पूरा ख़राब हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के जो प्लांट है वो ख़राब हो जाए। तो गाइस, मेरे पास जितना भी एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि एक ही बात मैं दोहराती रहती हूँ, ऐसा बात नहीं है गाइस। क्योंकि गाइस, वाटरिंग, सन, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो फ्लावर्स को या फिर प्लांट को हमेशा आपने ध्यान में रखनी होती है। तो अगर आप मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको सजाने के लिए अपने घर पर ले जाते हैं घर के अंदर, तो ऐसी गलती ना करें। आप लोग ये जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इनको आप अगर अंदर नहीं ले जाएंगे तो ही बेहतरीन होगा। स्पेशली ये जो इस तरीके के सीजनल फ्लावर्स होते हैं ये बहुत नाजुक होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ जो परमानेंट फ्लावर्स होते हैं, अगर एंथोरियम, जेरेनियम, ये सबको आप लगभग एक हफ्ते के लिए भी अंदर रख सकते हैं, लेकिन ये जो सीजनल फ्लावर्स होते हैं आप इनको घर के अंदर ले जाने की गलती ना करें। जितना हो सके आप इनको फ्रेश हवा, खुली जो इन्वायरमेंट होती है उसी में आप इनको रखने की कोशिश करें। तो हमने बात कर ली सन की, वाटरिंग की। अब अगर बात करूँ तो इनको इन्फेक्शन से कैसे बचाना है, तो हमने अभी तक इनमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो हम लोग ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं, तो सब्जी भी हम लोग ऑर्गेनिकली ही ग्रो करते हैं। हमने इनमें इस्तेमाल किया है नीम ऑयल स्प्रे का इसमें यूज़ किया है, ताकि इनमें कोई भी इन्फेक्शन, कीड़े मकोड़े इनमें अटैक ना कर सके, और ये अभी तक इतना ज़्यादा सेफ़ एंड हेल्दी है।
ये यहाँ पर तीन वर्बीना के प्लांट्स हैं जिनको हमने गमले में लगाया था गमला खाली होने की वजह से, और इनको हम घर में सजा के रखेंगे। जो बाकी सब छोटे छोटे पॉट्स में हैं तो किसी को पसंद आ गया तो वो ले जाएंगे, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं वैसे भी अपने घर में फूलों को सजाती रहती हूँ। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और गाइस, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का जो प्यार है वो मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए गाइस, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे ढेर सारा प्यार और दे। तो मिलती हूँ आप सभी लोगों से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ, लव यू ऑल।